नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचानो मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। तो हमने TCS की सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दी है टॉक की, राइट? तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी लैंग्वेज के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, अगर नहीं देखी तो आपको ये वीडियो जो है ना वो कोई समझ में आने वाले है नहीं, ओके? तो पहले वो वीडियो जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो पे आना, ओके? तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटा के बारे में। मशीन क्या होती है, ऑटोमेटा हम किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटा के बारे में, ओके? मतलब कि मशीन क्या होती है। उससे पहले देखते हैं कि लैंग्वेज, पिछले वीडियो में हमने लैंग्वेज देखी थी, राइट? तो अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के लैंग्वेजेस है, राइट? पहली है फाइनाइट, राइट? मतलब कि जिसमें स्ट्रिंग्स जो है वो लिमिटेड है, उनको आप काउंट कर सकते हो, राइट? और सेकंड है इनफाइनाइट, मतलब कि इस वाली लैंग्वेज में स्ट्रिंग जो है वो अनलिमिटेड है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो काउंटलेस है, ओके? तो बेसिक ये दो टाइप्स है, राइट? फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो देखो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं आपको ऑटोमेटा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके? तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज मैं L1 लेता हूँ, मतलब कि एक लैंग्वेज जिसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2 होगी, मतलब कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2, मतलब कि L1 क्या बन जाएगी, मतलब कि आपकी लैंग्वेज क्या बन जाएगी, ओके? तो मैं यहाँ पे सिग्मा लेता हूँ AB, ओके? मतलब कि A और B की मदद से हम लैंग्वेज बना सकते हैं, राइट? तो देखो, अगर हमारे पास AB है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 है, राइट? तो क्या बनेगी आपकी स्ट्रिंग्स, ओके? देखते हैं। तो पहले बनेगी A, राइट? उसके बाद बनेगी AB, उसके बाद बनेगी BA और उसके बाद बनेगी BB, ओके? तो ये बन गई आपकी स्ट्रिंग जो फाइनाइट है, राइट? इसके इसमें जितने भी स्ट्रिंग्स है वो आप काउंट कर सकते हो, राइट? उसके बाद बात करते हैं इनफाइनाइट की। इनफाइनाइट का एग्जाम्पल क्या ले, देखो L2 इज इक्वल टू एटलीस्ट 1A इज अवेलेबल, 1A इज प्रेजेंट, ओके? ये बन जाएगी आपकी इनफाइनाइट लैंग्वेज। देखते कैसे, L2, राइट? अगर मैं कहूँ एटलीस्ट A प्रेजेंट है तो क्या होगा, A, मैंने आपको बताया था कि AB इट्सेल्फ एक स्ट्रिंग है, ओके? उसके बाद AA बन जाएगी, AAA बन जाएगी, राइट? AB बन सकती है, राइट? बन सकती है। AB बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और AAB भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, राइट? समझ में आ रहा है कि इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, ये फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है, ओके? तो अब यहाँ पे ऑटोमेटा कहाँ पे आता है, देखो अगर मैं एक स्ट्रिंग लूँ, इसमें बात करते, अगर मैंने एक स्ट्रिंग ले ली AB, राइट? तो क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में बिलोंग करती है? बिल्कुल करती है। देखो, आप ना देख के बता सकते हो कि ये स्ट्रिंग जो है वो इस जो लैंग्वेज है इसमें प्रेजेंट करती है, राइट? इसमें लाइक करती है, ओके? मतलब कि AB बिलोंग्स टू L1 है, राइट? बट अगर मैं बात करूँ इनफाइनाइट की, अगर मैं ऐसी कोई स्ट्रिंग ले लूँ AAA BB, क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में प्रेजेंट करती है, लाइक करती है? अब ये कैसे फाइंड करोगे? ये तो ठीक है, आप देख के बता सकते हो, या फिर एक एक कैरेक्टर को, एक एक स्ट्रिंग को मैच करते चलो, राइट? बट क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स है लैंग्वेज में, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक स्ट्रिंग को हर एक स्ट्रिंग के साथ मैच करते चले? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और कंप्यूटर के लिए भी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा ऑटोमेटा का, मतलब कि हम क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे जो इस लैंग्वेज की इक्विवेलेंट होगा, राइट? मतलब कि वो मॉडल इस लैंग्वेज के लिए बना होगा, राइट? और उस मॉडल की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, मतलब कि गिवन स्ट्रिंग, वो एक्सेप्टेड है लैंग्वेज में या फिर नहीं, मतलब कि आपके लैंग्वेज में वो लाइक करती है या नहीं करती, राइट? वो काम है आपके ऑटोमेटा का, राइट? समझ रहे हो, ऑटोमेटा का काम क्या है? ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, या फिर हम इसे मशीन भी कह सकते हैं, राइट? ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो आपको बताता है कि गिवन स्ट्रिंग
लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं या नहीं, राइट। तो हम इसके लिए भी बना सकते हैं और इसके लिए भी ऑटोमेटा बना सकते हैं, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनाइट के लिए नहीं बना सकते और इनफाइनाइट के लिए बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपकी जो फाइनाइट लैंग्वेज है वो 100 स्ट्रिंग्स की हो, राइट, 200 स्ट्रिंग्स की हो, 500 स्ट्रिंग्स की हो, राइट। तो क्या आप हर एक को मैच करते चलोगे? नहीं। तो यहाँ पे हमें मदद करते हैं आपका ऑटोमेटा, राइट। ऑटोमेटा क्या है, समझ में आ रहा है? एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसकी मदद से आप गिवन स्ट्रिंग आपके लैंग्वेज में है या नहीं वो चेक कर सकते हो, राइट। ओके, तो बेसिकली ये काम कैसे करते हैं, देखो मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ। तो अब बात करते हैं कि ऑटोमेटा काम कैसे करता है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक ऑटोमेटा है, राइट, जो हम बनाने वाले हैं, वो हम आगे की वीडियोज में देखेंगे वो कैसे क्रिएट होता है, राइट। तो पहले देखते कि ये काम कैसे करता है। देखो ये ऑटोमेटा है, राइट, ये आपसे कुछ इनपुट स्ट्रिंग लेगा, राइट, इनपुट स्ट्रिंग लेगा ये आपसे, राइट। तो उसके पास कुछ रूल्स होते, रूल्स और फॉर्मूलाज होते, राइट, और वो उन रूल्स को इस इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करता है और आपको बताता है कि आपका जो आपकी जो गिवन स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेड बाय लैंग्वेज है या नहीं, राइट, वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। मतलब कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग यहाँ पे दे दी तो उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, राइट, मतलब कि वो मैथमेटिकल मॉडल में से गुजरेगी और आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है, राइट। ये इतना आसान है, ज़्यादा टेंशन मत लो, आगे चल के आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ना बेसिकली इसके चार टाइप्स है। ओके, तो वो देखते हैं कौन से, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, तो मैं इसको भी हटा दे। तो हमारे पास इसके चार टाइप्स है, फोर टाइप्स। ओके, फर्स्ट है FSM, मतलब कि फाइनाइट स्टेट मशीन। मैं यहां पे लिख देता हूं, फाइनाइट स्टेट मशीन या फिर ऑटोमेटा। ओके, उसके बाद हमारे पास है PDA, यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिख रहा। ओके, तो PDA। उसके बाद आता है हमारे पास LBA। LBA क्या है? LBA है हमारे पास लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ओके, और आखिरी है हमारे पास ट्यूरिंग मशीन। ओके, ट्यूरिंग मशीन। ओके, अब बात करें तो ट्यूरिंग मशीन जो है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, राइट, वो हम देखेंगे कि कैसे, बट ट्यूरिंग मशीन सबसे ज़्यादा पावरफुल है और FSM जो है वो सबसे कम पावर वाली मशीन है आपके पास, राइट। तो देखो FSM क्या है, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। तो यहाँ पे लोग ना FA भी लिख देते, मतलब कि फाइनाइट ऑटोमेटा, ये भी करेक्ट है, ये इसका सिमिलर वर्ड है, राइट, मतलब कि वो सिर्फ स्टेट का उल्लेख नहीं करते, बट कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत होना कि भाई भैया ने तो FSM लिख दिया और हमें कॉलेज में FSC करे, कोई बात नहीं, वो दोनों सेम ही। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।